नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। HAU हिसार में जो एक कृषि मेला लगा हुआ है, यहाँ पे ये प्रदर्शनी लगी हुई है। इसमें हाथ से बनाए हुए बहुत सारे उत्पाद हैं। राखी मैम है यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम सारी जानकारी लेते हैं। अच्छा, तो ये मेरा नाम राखी है और हम टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है कॉलेज ऑफ होम साइंस CCS HAU में। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये जो बने हुए हैं, ये बेसिकली घर में जो आपका पुराना सामान बच जाता है, जो पुराने कपड़े या ऊन आपकी जो बच जाती है, तो उससे उसको लेकर हम घर में ही घर के इस्तेमाल की चीज़ें कैसे बना सकते हैं, ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूजा का मैट है, ये आपका पायदान है, डोर मैट जिसको बोलते हैं, दरवाजे पे रखने वाला, ये भी आपका पूजा मैट है, पूजा में यूज़ कर सकते हैं या स्टूल पे रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे साड़ी का बैग है, इसको आप पुराना बचा हुआ कपड़ा यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। ये ट्रैवलिंग बैग है, ठीक है, ये ज्वेलरी बैग है, घर आपके आभूषण बैग उसको रखने के लिए। और फिर ये आपका फुट मैट है, अगेन दिस इज़ ऑल्सो फुट मैट, ये भी फुट मैट है, इसको कैसे बनाते हैं। ये बहुउद्देश्य किट है, मतलब आप इसमें अलग अलग तरीके का सामान कुछ भी रख सकते हैं। ये वॉल हैंगिंग है, वॉल हैंगिंग आप दीवार पर इसको टांग सकते हैं, इसके अंदर आप मैगजीन्स वगैरह आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हम जो आपका घर में सामान ऑलरेडी आपका पुराना सामान है उसको यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके आप उनसे घर के लिए कैसे सामान बना सकते हैं। तो हमारा एक कोर्स होता है डिपार्टमेंट में, हम एक साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, उसके अंदर हम ये चीज़ें आपको बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो ये औरतों के लिए जो घरों में रहती हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, ये वो सीखें और घर में बनाएं अपने लिए, तो पुरानी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, तो वेस्टेज नहीं होगी, वेस्टेज कम होगी पुरानी चीज़ों की। तो हमारा एक साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स है हमारे डिपार्टमेंट में, जिसकी जो एलिजिबिलिटी या योग्यता जो है वो 10वीं पास है। तो 10वीं पास जो महिलाएं हैं जो गांव में रहती हैं, वो हमारे कॉलेज में इस कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं और मई जून में इसके फॉर्म निकल जाते हैं। तो उसके बाद इनकी क्लासेस जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसमें हम ये सब चीज़ें बनाना सिखाते हैं, लेकिन इसके अलावा हम सिलाई कढ़ाई वो भी सिखाते हैं, मतलब स्टिचिंग पूरी सिखाते हैं और एम्ब्रॉयडरी पूरी सिखाते हैं, कढ़ाई भी पूरी सिखाते हैं और बुनाई भी सिखाते हैं, निटिंग भी सिखाते हैं। तो उसमें अगर आप लोग, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग अगले साल, इस साल तो एडमिशन हो गए, अगले साल के लिए आप देख सकते हैं, मई जून में फॉर्म भर सकते हैं और फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू जी वीडियो देखने के लिए, और राखी मैम का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, इन्होंने इतनी जानकारी दी। अगर आप इस तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं तो HAU में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।